वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ पतंजलि ऋषिकुल, वेलकम बैक इन दिस आर्ट वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक क्ले गणेश जी। चिल्ड्रन, क्ले मॉडलिंग इज अ टाइप ऑफ स्कल्पटिंग एंड द क्रिएशन ऑफ अ थ्री डायमेंशनल पीस ऑफ आर्ट, टिपिकली यूजिंग सम टाइप ऑफ क्ले। मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस क्राफ्ट, क्ले और आटा डो एंड कलर्स। सो लेट्स बिगिन। चिल्ड्रन, फॉर दिस क्राफ्ट यू विल टेक आटा डो लाइक दिस, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू विल मैश इट लाइक दिस। इसको खूब अच्छे से ऐसे करके मैश करेंगे, ठीक है ना बच्चों। जब आप खूब अच्छे से मैश कर लेंगे तो यू विल सी, देखिएगा आप लोग कि आपके इस आटा डो में कोई भी क्रैक्स नहीं हो, ठीक है ना, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक आटा डो लाइक दिस। इस तरह से हम लोग आटा डो का एक सर्किल बनाएंगे। ये गणेश जी का फेस है, ठीक है ना बच्चों। आज हम लोग गणेश जी बनाएंगे सुंदर से इस आटा डो। इफ यू हैव क्ले तो यू कैन मेक इट विथ क्ले। अब ये देखिए स्टमक हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको इस पे, अच्छा थोड़ा सा आपको वाटर लेना है, और जब भी पेस्ट करना है तो इसमें हम लोग ग्लू नहीं लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे वाटर लगाएंगे। अब ये बॉडी हो गई, स्टमक हो गया गणेश जी का, और ये फेस हो गया। आप लोग ऐसे करके इसमें ये फेस बना लेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, आप लोग गणेश जी का ये एक मुकुट बनाएंगे। इस तरह से मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये मुकुट हो गया और ये दो हैंड्स हो गए बच्चों। ये देखिए ये दो हैंड्स आप लोग बनाएंगे इस तरह से, और ये दो लेग बनाएंगे, ठीक है। फिर मैं अभी आपको सारी चीज़ें ज्वाइन करना बताऊंगी। ये देखिए ये दो ईयर्स हो गए, ठीक। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक वन हैंड, ठीक है। वरद मुद्रा में ये भगवान जी का दो हैंड हो गया, और एक ये ऐसा हैंड बनाएंगे आप लोग, ठीक है। और ये देखिए ये एक दंत, ठीक, एक ये गणेश जी का दांत बनाएंगे इस तरह से, और ये दो छोटे छोटे फीट उनके। अब देखिए अब बहुत ध्यान से देखना है बच्चों, हम लोग इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बना के रखी थी। ये देखिए ये अभी मैंने आपको दिखाया ना कि किस तरह से आपको फेस बनाना है। अब सारी सारी चीज़ों को आप लोग एक साथ इसमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, और वाटर मिक्स करते हुए आपको ये सारी चीज़ें ज्वाइन करनी है, तभी आपके गणेश जी सुंदर बनेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा वाटर ले लीजिएगा किसी चीज़ में, और फिर उसके बाद ये दोनों साइड में हम लोग ये जो हम लोगों ने ईयर्स बना के रखे थे ना बच्चों, ये देखिए अब हम लोग इसमें ईयर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये दोनों ईयर्स हो गए गणेश जी के, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग दोनों अभी मैं ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ जिससे अच्छे से वीडियो में क्लियर हो। ये दोनों हाथ लगा देंगे और नीचे की तरफ दोनों पैर ऐसे करके लगा देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब इनको स्ट्रेट कर लेंगे, और अब हम लोग टू आईज बना लेते हैं छोटी छोटी, ठीक। अब यहाँ पे गणेश जी की ये दो आईज लग गई बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए ये दो आईज आप लोग छोटे छोटे बॉल से दो आईज बना लेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और आटा डो लेंगे बच्चों, और आटा डो बच्चों आपको बहुत अच्छे तरह से मिक्स करते हुए तब बनाना। आप देखिए गणेश जी की हम लोग ट्रंक भी बना लेते हैं, सूंड गणेश जी की, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर से हम लोग वाटर लगाएंगे, और ये गणेश जी की सूंड बन गई, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सारे बॉडी पार्ट्स गणेश जी के बना लेंगे। सो चिल्ड्रेन, यू विल पेस्ट ऑल द पार्ट्स लाइक दिस एंड क्रिएट अ ब्यूटिफुल गणेश जी लाइक दिस, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग इस तरह से सारे पार्ट्स को वाटर लगा के और एक साथ ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि पहले आप लोग यहाँ पे गोल सर्किल से फेस बनाएंगे, इसके बाद स्टमक, फिर इनकी गणेश जी के सूंड, और इस तरह से सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ के ऐसे
ब्यूटीफुल गणेश जी कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चों कि इसको एटलीस्ट आप 5 to 6 hours सूखने के लिए रखेंगे या ओवरनाइट भी सूखने के लिए रख सकते हैं, ठीक है ना। तो सूखने के बाद देखिए आपको ऐसे गणेश जी मिलेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप चिल्ड्रेन, यू विल कलर, ठीक है। अब आप लोग इसको कलर करेंगे। हियर आई एम यूजिंग दिस वाटर कलर, ठीक है। यहाँ पे मैं वाटर कलर यूज कर रही हूँ, आपके पास जो भी कलर हो आप यूज कर सकते हैं। ब्रश से बच्चों इस तरह से आप लोग सूखने के बाद इसमें कलर करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए इस तरह से आप लोग इनको ब्रश से कलर करेंगे, ठीक है ना बच्चों। कलर करने के बाद आप लोग इसको फिर से सूखने देंगे। ये देखिए मैंने आपके लिए ऐसे एक ऑलरेडी कलर करके रखा है, ठीक है ना बच्चों। तो पहले आप लोग आटे डो से, अगर आपके पास क्ले है तो क्ले से भी बनाइए, मेरे पास नहीं था तो आई एम यूजिंग दिस आटा डो। आटा डो से आप पहले गणेश जी बना लेंगे और फिर इसको ओवरनाइट सूखने के लिए रखेंगे। आफ्टर दैट यू विल कलर इट, ओके चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इफ यू वॉन्ट टू चेंज द डिजाइन शेप एंड कलर यू कैन चेंज चॉइसेस यूज, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखिए कलर होने के बाद कितने सुंदर लग रहे हैं गणेश जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्ले गणेश जी। थैंक यू चिल्ड्रन, बाय बाय एंड टेक केयर।